हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज आप कर रहे हैं 8वीं क्लास का पंजाबी का 10वां लैसन। की तुसी पढ़े लिखे हो? सारों पहला करांगे पाठ का सार। हरशिंदर कौर स्कूल की मुख अध्यापिका जी हैं। पंजाबी का पीरियड वेला होण करके वो क्लास विच आ जाते हैं। उन्हां दे जमात विच जान नाल बच्चे बहुत खुश होंदे हन ते कि अज उन्हां नूं स्कूल दे मुखी पढ़ाउणगे। मैडम जी ने सारिया बच्चियां तों एक प्रश्न पुछिया कि तुहाडा किवें पता लगेगा कि तुसीं पढ़े लिखे हो। तां प्रश्न सुन के सारे विद्यार्थी घबरा गए। मोहन बोलता है, असी अपने सर्टिफिकेट दिखा के ते बलवीर चंद दो बूहे दे नाँ दी तख्ती ला के आदि नाल असी अपनी जान पहचान करा सकते हाँ कि असी किन्ने पढ़े लिखे हाँ। तां सब दे उत्तर सुन के स्कूल दे मुखी मुस्कराउंदे रहे। मैडम जी नू इस गल दी खुशी हुई कि वो सारे बच्चे बिना डर दे अपने विचार प्रगट कर सकते हन। फिर आख्या, साडे गुणा तो पढ़ाई का पता लगता है, साडे वरतों विहार तो लगता है, ना कि सर्टिफिकेट विखाउन नाल, ना कि सानू जमात दसन नाल कि असी किन्ना पढ़े हाँ। हरी ने साडे विहार बारे पुछया कि ये की है, तो मैडम ने आख्या, साडी मिठी बोली दूजिया दे कम आउन, ये सारे गुण साडा विहार है। मैडम ने इस तो बाद एक होर सवाल पूछया कि पढ़े लिखे बंदे विच किने गुण होने चाहिए हन। सारे विद्यार्थियों ने वारी वारी जवाब देंदिया आख्या कि सफाई पसंद, ज्ञानवान, मेहनती, हिम्मती ते हसमुख होना चाहिदा, पर हंकारी नहीं होना चाहिदा। मैडम ने कहा कि जिस विच ये गुण हुंदे हन वो एक चंगा मनुख खवाउंदा है, वो सब नूं प्यारा लगता है, पर कई विद्यार्थी जां मनुख पढ़े लिखे ना भी होण पर वो चंगे गुणा दे धारनी हुंदे हन। मैडम दे इस तरह दे मनुख अकबर ते पंजाब ते महाराजा रणजीत सिंह दी उदाहरण दिते। इन्ने नू ही हरी मोहन नू प्रश्न पुछया कि जो स्कूल नहीं जांदे वो कित्थों सिख दे हन। मैडम ने हरी मोहन नू जवाब दिंदिया कहा कि शाबाश, कि सिखण लई स्कूल बहुत चंगी थां है, पर होर भी थावां तो सारी उम्र सीखते रहना चाहिदा है। सीखना छड दियो तां तुहाडा ज्ञान पुराना अते वासी हो जाएगा। फिर मुख अध्यापिका जी सारे विद्यार्थियों नूं शाबाश दित्ती ते कहा, विद्या प्राप्त करन वाला ही विद्यार्थी हुंदा है। जदों तुसीं सीखते हो तां हर कोई तुहाडा पढ़िया लिखिया अखवाउंदा है, तां हर कोई तुहानूं पढ़िया लिखिया आखदा है। तुहानूं सर्टिफिकेट गेट ते तख्ती ला के विखाउण दी लोड़ नहीं, वो अपने कार विहार तों गुणवान इंसान लगेगा। इस अज दा अपना पाठ दा सार ते हुण करांगे पाठ दे अभ्यास वाले प्रश्न। पहला प्रश्न है, साडे गुणा ते साडी पढ़ाई दा पता किवें लगदा है?
साडे गुणा ते साडे पढ़ाई का पता साडे विहार तो लगता है। किहड़ी गल चंगा विद्यार्थी नहीं करता? हंकार। हंकार की गल है वह चंगा विद्यार्थी कदे भी नहीं करता। मुख अध्यापिका जी ने विद्यार्थियों नू की पढ़ाया? मुख अध्यापिका जी ने जिहड़े प्रश्न पूछे सन की किते सन? प्रश्न पूछे सन। पहला पीरियड किस विषय का सी? पंजाबी का। स्कूल की मुख अध्यापिका का नाम की सी? हरशिंदर कौर, या इत्थे लिखिया जिवें हरमिंदर कौर। तुसी पढ़े लिखे हो, पाठ विच किहड़े दो राजयां दा जिक्र होया सी? अकबर ते महाराजा रणजीत सिंह दा। गुणवान इंसान कित्थों पता लगता है? उसका कार विहार तो। किस तो? कार विहार तो पता लगता है। मुख अध्यापिका जी ने सब तो पहला किस विद्यार्थी ने उत्तर दिता? मनोहर ने। चंगे विद्यार्थी दे कोई पांच गुण? चंगे विद्यार्थी दे पहला गुण है चंगा विद्यार्थी मेहनती होंदा है। दूजा गुण है पढ़िया लिखिया हिम्मती होंदा है। तीजा गुण है वह सफाई का ध्यान रखता है। चौथा है वह हसमुख होंदा है। पंजवा चंगी विद्यार्थी हंकार नहीं करता। जिहड़ा चंगा विद्यार्थी वह कदे भी हंकार नहीं करेगा। तो ये अज अपना अठवीं का पाठ दसवां कि तुसी पढ़े लिखे हो। अज का ये पाठ पूरा होंदा है। अगली वीडियो अगला लैसन करांगे। धन्यवाद।